देखो भाई अक्षत रिमाइंडर के राम सो पहले तो मैं लेटिन में बोलता हूँ फिर हिंदी में बोलता हूँ है पहले लेटिन में से सुनाता हूँ आपको लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोम ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पोलिनोम एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए है ना ये तो मैं लेटिन में बोल दिया घंटा समझ आया कुछ समझ नहीं आया ठीक है <laughs> कुछ नहीं समझ आया चिंता मत कीजिए ये तो प्रूफ राणा टिम बहुत चीजें लिखी हुई है। हैं। काम की बात क्या है यार ये पॉलिनोमियल है अगर इसको डिवाइड किया आपने इससे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए होगा कुछ होगा कुछ मम्मी ने बोला पढ़ाई पे ध्यान दो लड़कियों से दूर रहो मम्मी से पूछा क्यों होगा कुछ बाद में समझ आ जाएगी अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दो बड़े होके समझ आ जाएगा बुरे दोस्त मत बनाओ कुछ रीजन होगा ये जो एक्स की वैल्यू वन है ये इस वन को इसके अंदर डाल दीजिए वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस वन अच्छा भाई ठीक है सॉल्व कर लीजिए ये तो कैंसिल हो गया टू तो ये टू का मतलब क्या हुआ इस टू का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे आधे घंटे बाद डिवीजन करोगे फाइनली जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा टू कौन सा टू ये वाला टू जादू पहली बार सुनो तो यकीन ही नहीं होता आपको भी नहीं होगा किसी को नहीं होता तो किताब में उसका रीजन बताया फिर से देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम बोलती क्या है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोम पी एक्स इक्वल टू एक्स यू प्लस वन है उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं एक्स प्लस वन से मुझे क्या चाहिए रिमाइंडर तो मेथड क्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो कर दो एक्स की वैल्यू निकाल लो ये जो एक्स की वैल्यू निकली अच्छा भाई ये एक्स की वैल्यू को यहाँ डाल लो इस पॉली में डालोगे तो क्या बनेगा माइनस वन प्लस वन इजिकल टू जीरो तो अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा जीरो डाउट फिर से देख लीजिए ये इतना बड़ा भूत इसको किससे डिवाइड करना चाहते हो एक्स माइनस वन से रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो एक्स माइनस वन को किसके इक्वल कर दोगे एक्स क्या आएगा वो वन किस में डालोगे माइनस फोर माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव तो रिमाइंडर क्या आएगा क्या वो रिमाइंडर है जी वो रिमाइंडर है उसके करने के दो तीन रीजंस है एक तो ये है कि आपको डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल आना चाहिए पर से कैसे डिवाइड करते हैं पहला रीजन ये है एक्चुअली यही रीजन है डिवीजन ऑफ पॉलिमेल करते कैसे हैं? आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर तो आप रिमाइंडर करके निकाल सकते हैं नहीं समझ में और एग्जांपल देख लीजिए इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा प्लस वन प्लस वन जो है वो रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर थ्योरम किस लिए यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं बात कदम अब ये चीज को एक घंटा लगा के चालीस बच्चों के सामने टीचर इतना कंफ्यूज करती है कि बच्चों को समझ नहीं आता वो क्या? एक्चुअली मैं भी पहले ऐसे ही करता था तो वो गलती क्या होती थी मैं आपको गलती बता देता हूँ गलती ये है कि अगर टीचर एक एक चीज समझाने की कोशिश करेगा ना तो आप चालीस बच्चों को नहीं समझा सकते चालीस बच्चों को बस इतना ही सिखा सकते हो यूजली एक टिपिकल गलती जो टीचर्स करते हैं वो ये करते हैं सब समझाने की कोशिश करता है मैं भी पहले बहुत ये गलती करता था अब नहीं करता बच्चों को सब समझाने की जरूरत नहीं अब आपको लगेगा अरे ये तो गलत बात है बच्चों को तो सब समझाना चाहिए आपने नहाना है यू वॉन्ट टू टेक अ बाथ और मैं आपको नियाग्रा फॉल्स के नीचे रख दूँ डेंजरस <laughs> हो जाएगा ना <laughs> तो नलके के नीचे नहा लो जरूरी थोड़ी न्यागरा फॉल के नीचे जाना है जान निकल जाएगी उसकी है ना बह जाएगा वो तो कई बार आप बच्चे को ज्यादा ज्ञान दो तो बह जाता है बेचारा रिमाइंडर जो है वो वाना अब आपने इसके दस पंद्रह बीस क्वेश्चन कर लिए समझ लिया उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो थ्योरी पढ़ लीजिए और आपको रीजन पता चल जाएगा बाकी रीजन एग्जाम में तो आता नहीं पट मरे जा रहे हो जान दे दोगे पढ़ लो जरूरी नहीं है बट पंद्रह बीस क्वेश्चन करने के बाद फिर एक दिन दिमाग में घंटी बजेगी और समझ आएगा कि हुआ क्या उससे पहले जरूरी नहीं है तो नहाना चाहते हो तो नलके नीचे ना के नीचे नहाओ नि फॉल्स के नीचे मत खड़े हो जाओ कि सारा पानी मैं कर लूंगा मिस्टर रित्रे ने इलेवंथ में गए मम्मी ने बोला आई का एग्जाम देना है आई टी का एग्जाम क्या होगा नियाग्रा फॉल्स नलका क्या होगा बोर्ड का एग्जाम तो पहले किस पे फोकस कीजिए उसके बाद आई टी और सीधे जाके नियाग्रा फॉल्स के नीचे पास खड़े हो जाओ और प्रॉब्लम ये है वो इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं तो सारे बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हमारे यहाँ तो नियाग्रा फॉल्स है यहाँ तो नियाग्रा फॉल्स तो से तो भी पढ़ा है वो बेवकूफी है भाई उनको बोलो नलका कहाँ पर है नलके नहला दो उसके बाद नियाग्रा फॉल्स नहीं समझ में समझना नियाग्रा फॉल्स में बह जाओगे आप समझ आ गया ये पॉलिनामेल भाइयों डिवाइड किससे करना चाहते हो एक्स प्लस वन से रिमाइंडर निकालना चाहते हो अक्षत अच्छा भाई बताओ क्या करोगे माइनस वन इसमें तो माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस वन तो रिमाइंडर क्या है जीरो अब मैं एक बात बोलूंगा समझ आए तो ठीक है अरित्र जी को समझ आ देगी शायद आपको कन्फ्यूजन हो नहीं समझ आए तो भी चलेगा अगर रिमाइंडर जीरो हो तो एक्स प्लस वन इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कोई डाउट है कुछ पूछना चाहता है इससे डिवाइड करेंगे कुछ नहीं करना इसको जीरो कर दो ना भाई ये जो जीरो है ये जीरो इसके अंदर डालो तो रिमाइंडर क्या बचेगा वन अरे ध्यान से रखो नंबर आएंगे नहीं मम्मी फिर बोलेगी कि पढ़ाया नहीं मास्टर ने जीरो नहीं है मेरे पास एक ग्रुप आता था तो वह चार पांच लड़कियाँ ही थी सारी तो वो मम्मियों को मतलब पूरा एक साल उनका ये रहा रंज रहा कि आप जी पढ़ाते नहीं हमारे बच्चों को तो एक दिन सारी मम्मियाँ इकट्ठिया हो गया आ गई और वो क्लास में मैंने ऑलमोस्ट सबकी रिकॉर्डिंग की, की हुई थी ऑलमोस्ट सा, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग की हुई थी तो मैं टीवी चला के दिखा पढ़ाया तो ये ये हुआ होगा आपके बच्चों को अब उनके नंबर नहीं आ रहे हो मेरी गलती थोड़ी है इससे डिवाइड करोगे अब ये माइनस फाइव बाई टू इसमें डाल दो जो भी आंसर आएगा भाई वो रिमाइंडर होगा अब उसमें डरना नहीं है आपको आप बता दिया एक मेथड अब आप डरना शुरू कर दोगे जब वहां जाओगे डरोगे कैसे जैसे अब आपको ये दे दिया अब आपको ये दे दिया आपको लगा पाई है पता नहीं क्या है ये कुछ नहीं है ये आपका मेथड बता दिया ना एक्स प्लस पाई को किसके इक्वल कर दो जीरो के तो एक्स किसके इक्वल है माइनस पाई अब जो ये माइनस पाई है इसको भाई यहाँ डाल दो तो क्या होगा माइनस पाई क्यू प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन अक्षर भाई यही छोड़ दीजिए पाई को ट्वेंटी टू बाई सेवन थ्री पॉइंट वन फोर करने की जरूरत नहीं बस ये इसका फाइनल आंसर है इसमें डरना नहीं है इसको अरे ये क्या हो गया और कोई भी उठ पटांग जैसे यहां पर 0, x 7 3. ये, ये लिख दिया आपको, आपको पता दिमाग क्या लगाना है आपको सिर्फ दिमाग यह लगाना है कि पॉलिनामियल कौन सा है और डिवाइजर कौन सा बस जैसे ये क्वेश्चन है ना तो आपको उतनी इंग्लिश आनी चाहिए तो आपको ये समझ आ जाए कि ये जो है ये पॉलिनोमियल है इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इक्वल टू जीरो क्या करना है डिवाइजर को इक्वल टू जीरो करना है याद रखिए जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू ज़ीरो करना है उससे एक्स की वैल्यू लेके जो भी एक्स की वैल्यू आएगी ये जो वैल्यू है ये लेके आपको पॉलिनॉमियल के पास जाना है इसमें गोबर मत कीजिए ये फ्री के नंबर है यार वहां कुछ पता नहीं क्या आंटी करते रहोगे यार यहाँ ऐसे गाय की तरह सारे लाते रहते हो वहां पता नहीं क्या आंटी करते रहते हो यार और फिर पेरेंट्स को जस्टिफाई करना पड़ा एम्बेसिंग हो जाता है जी पढ़ा के तो भेजा था मैं क्या करूँ <laughs> तो भला हो का लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है कुछ बताने के लिए तो रहता है कि जी पढ़ाया तो था समझ आ रहा है। और ठहर है यार दो मिनट तो मेरी बात माने तो जितना भी इंग्लिश लिखा है अब फालतू की बातें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता तो हूँ कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना अभी दस मिनट में आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का है ना दस मिनट लगेंगे ये आपकी एक्सरसाइज अगर आपकी बुक में नहीं है तो इससे कर लीजिए जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ इसी से कर लीजिए ठीक है आप इससे करेंगे नेक्स्ट टाइम आर शर्मा लेके आइए आर शर्मा थोड़ा कराया जाएगा आपकी बुक में शायद नहीं होगा इससे कर लीजिए क्योंकि सिलेबस कट गया अब शायद ये इन्होंने टेंथ में डाल दिया ये वाला रिमाइंडर शायद करेंथ में डाल दिया तो बच्चों के दिमाग में छोड़ना लग जाए अच्छा दो मिनट सो लीजिए बस आपने ये कर लिया तो कल आप आ रहे हैं तो आरडी शर्मा लेके आइए आरडी शर्मा से ये टू पॉइंट टू और टू पॉइंट थ्री के आर डी शर्मा से थोड़े और क्वेश्चन करेंगे फैक्ट्राइजेशन और पॉलिमियल तो है ना आपके कोर्स में तो फैक्ट्राइजेशन में जाने से पहले ये जो दो टॉपिक हैं ये अच्छी तरह कर लेंगे ये आपका टेंथ का टॉपिक है आई थिंक अब ये नाइन्थ में छोड़ के अब ये टेंथ में डाल दिए करिए स्टार्ट कीजिए